हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे नए वीडियो और हमारे चैनल किश्नू ब्लॉग पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक बार आ पहुंचा हूं गढ़गंगा का। ये आप देख रहे होंगे द्वार, ये यहां पर गढ़गंगा का द्वार बना हुआ है। और यहां कुछ समय पहले तक रास्ता कुछ खराब था, इसको लेकर के अंदर जाने के लिए कुछ असुविधाएँ हो रही थी, तो अभी रास्ता पूरा बन चुका है और यहाँ पर मिट्टी का जो काम था डल चुकी है यहाँ पर मिट्टी, और आगे जाने के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो मेले के अंदर चल करके देखते हैं अभी कि क्या क्या वहाँ पर मेले में हो चुका है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ दिखाया है मेले से रिलेटेड कि क्या क्या यहाँ पर अब तक हो चुका है, तो आज फिर मैं एक बार आया हूँ यहाँ और आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूँ कि यहाँ किस तरह से अभी तैयारियाँ चल रही हैं मेले को लेकर। तो आइए चलते हैं। दोस्तों इस बार मेला प्रशासन ने लाइटिंग को लेकर के काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं ये मेन गेट से जहां से मैंने एंट्री की थी वहां से लेकर के और मेले के अंदर तक एक तरफ पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। ये एक दूसरा द्वार है जिस पर गंगा मैया की प्रतिमा विराजमान है। तो यहाँ से होते हुए हम सीधा मेले के अंदर पहुँचते हैं। तो दोस्तों अभी मैं गढ़गंगा के द्वार से जहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि कितनी मिट्टी वहाँ पर डाली गई है उसको सुधारने के लिए रास्ते को, उस रास्ते से होते हुए यहाँ आ गया हूँ। और अभी इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर गन्ना खड़ा था कुछ टाइम पहले तक, लेकिन यहाँ से कट चुका है वो गन्ना और यहाँ पर रास्ता को बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पहला स्टॉल है वो लग चुका है गढ़गंगा का, तो ये देख सकते हैं आप। ये स्नान घाट से कुछ पहले पड़ता है, लठीरा के आसपास जो रास्ता जाता है यहाँ इधर की ओर गंगा की ओर को, तो उस रास्ते के पास में ही ये पहला स्टॉल लग चुका है चाय पकौड़ी का। और ये इधर की ओर से लठीरा गांव से आते हैं तो पूरा देख सकते हैं आप, ये चौराहा है। इस चौराहे से हम सामने से हम गढ़ की ओर से आते हैं और अब अंदर मेले की तरफ चल कर देखते हैं कि मेले में अभी कितनी और प्रोग्रेस हो चुकी है। चलिए। दोस्तों ये देख सकते हो कि यहाँ पर मेला प्रशासन ने इस बार काफी अच्छी सड़कें बनाई हैं और काफी चौड़ी करके इन सड़कों को बनाया गया है, तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी रहती है। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं इससे पहले ही यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रहती है, तो जो लोग यहाँ पर अपनी बड़ी गाड़ी लेकर के आते हैं तो वहाँ पर पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ियों को। और मेले के अंदर यहाँ पर अभी कुछ टेंट लग चुके हैं, ये देख सकते हैं इधर की तरफ ये सभी दुकानें सजने लगी हैं। मेले में झूले का काम तो लगभग सा पूरा हो चुका है और उसके बराबर में एक और झूला बन रहा है ड्रैगन झूला, उसका भी काम आधा हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों ने आना शुरू कर दिया है यहाँ पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के। और किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट ये है कि जो प्रशासन ने रोक लगाई हुई थी भैंसा बुग्गी को नहीं आने दिया जा रहा था इस बार, ऐसा सुनने में आ रहा था, तो वो रोक अब हट चुकी है और खुशी की लहर है ये इस बार किसानों के लिए। जो किसान भाई भैंसा बुग्गी लेकर आना चाहते हैं वो निश्चिंत होकर के यहाँ मेले में आए और मेले को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। यहाँ दोस्तों आप देख रहे होंगे मेले में कि यहाँ पर ये दो जो गेट बने हुए हैं ये सीधा घाट के लिए जाते हैं, तो अभी मैं आपको घाट के लिए लेकर चलता हूँ और घाट की व्यवस्था दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी हो चुकी है। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ यहाँ घाट पर और आप घाट की व्यवस्था देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ घाट बनाए गए हैं। और यहाँ आगे
खतरा है, इसलिए पानी तेज है थोड़ा गंगा मैया का, तो इसलिए जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग किए गए हैं कि इससे आगे कोई स्नान ना करे। और यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, तो अभी कुछ काम चल रहे हैं यहाँ पर, बाकी अभी बहुत सारे काम रह गए हैं। यहाँ देख सकते हैं जो फूल प्रसाद की दुकानें होती हैं वो यहाँ पर लग गई हैं, और पूरा मेला लगभग तैयार होने वाला है कुछ ही दिनों में, एक दो दिन शायद लगे। कैंप आ चुके हैं बहुत से और कुछ आने बाकी हैं अभी, तो ये आप देख सकते हैं इधर पूरा मेला, यहाँ से मैं दिखाऊंगा घाट की तरफ से। दोस्तों आज मेले में लगभग 30% श्रद्धालु आ चुके हैं। यहाँ पर मैं वो कैंप भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर श्रद्धालु आकर के लगा चुके हैं अपने अपने कैंप। तो ये रास्ता जाता है सीधा उस तरफ जिधर कैंप लगे हुए हैं श्रद्धालुओं के, और अपने भैंसा बुग्गी लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ चुके हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ एक चौराहा है मेले के बीचों बीच, इस चौराहे से हम उन कैंप्स की तरफ भी जा सकते हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं ने अपने अपने कैंप लगाए हुए हैं, और झूले की ओर को जा सकते हैं, दूसरा मार्केट की तरफ को जा सकते हैं, और सामने हम घाट की तरफ को भी जा सकते हैं। अभी हम उस तरफ चल रहे हैं जिस तरफ श्रद्धालुओं ने अपने अपने डेरे लगाने शुरू कर दिए हैं, और कुछ डेरे लग चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इस रास्ते की दोनों तरफ आप कि डेरे लगने शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर श्रद्धालु अपने ट्रैक्टर ट्रॉली अन्य साधन जिस साधन से भी वे आ सकते हैं वे सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों छोले भटूरे चाट पकौड़ी आदि की दुकानें यहाँ पर लगनी शुरू हो गई हैं, ये देख रहे हैं आप। इस सामने सर्कस लगेगा और उधर मौत का कुआ, वहाँ पर झूला लग चुका है पहले से ही। तो ये चौराहा सा है एक, इस चौराहे से भी हम पूरे मेले को घूम सकते हैं, यहाँ चारों तरफ को जा सकते हैं यहाँ रास्ते से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।